इस पावन तीर्थ में बड़े लंबे समय से सत्संग का ज्ञान यज्ञ का क्रम चल रहा है और इस ज्ञान यज्ञ में आप सत्संग में डूबे हुए हैं। सत्संग मनुष्य जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। कुसंग तो रास्ते चलते मिल जाता है। कुसंग के लिए आमंत्रण नहीं देना पड़ता, लेकिन सत्संग के लिए आवाहन किया जाता है, आइए पावन सत्संग हो रहा है, ज्ञान यज्ञ हो रहा है, आप इसमें भागीदार बनिए। क्यों? क्योंकि सत्संग बड़ी दुर्लभ उपलब्धि है मनुष्य जीवन की। सत्संग से, ज्ञान यज्ञ से तत्काल प्रकाश और उल्लास प्राप्त होता है। एक सेठ ने अपने लड़के से कहा, देख भाई, तू एक बार सत्संग में गया था, गऊ की महिमा सुनकर के तूने गऊ के सामने चावल की बोरी रख दी थी खाने के लिए, इसे अब मैं तुझसे कहता हूं कि तू सत्संग में मत जाया कर। और सत्संग यदि कहीं हो भी रहा हो तो कानों में उंगली दे लिया कर, लेकिन सत्संग के शब्दों को मत सुनना। बेटा बाप का आज्ञाकारी था, ठीक है ऐसा ही करूंगा। और एक बार वो उधारी उगाने के लिए दूर के गांव में गया, शाम होने वाली थी, धन उगा करके लौट रहा था। मंदिर में पंडित जी की कथा चल रही थी, सोचा कहीं ये कथा के शब्द मेरे कानों में ना पड़ जाएं। उसने कानों में उंगली दी, धन की पोटरी उसके पास में थी, ध्यान कथा तरफ गया, पत्थर की ठोकर लगी और वो लड़का वहीं पर गिरा। उसके कानों में शब्द गूंजे कि भूत के पैर नहीं होते हैं और भूत की परछाई नहीं होती। इतना सुना और वो उठकर के भागा। निर्जन स्थान में कुछ चोर आ गए, कहा इसको डरा करके इसका धन लेना चाहिए, कंबल ओढ़ करके भूत बन गए, भूत भूत भूत। उसका अरे ये तो भूत आ गए, अब क्या करूं। लेकिन उसने अभी अभी सुना था कि भूत के पैर आगे मुंह पीछे होता है और परछाई नहीं होती, लेकिन इनका तो मुंह भी आगे है और पैर भी आगे है और ये सूर्य डूबने वाला है, इसमें इनकी परछाई भी दिखाई दे रही है, समझ गया कि ये भूत नहीं है। और वो डंडा लेकर के पड़ा, ठहरो तुमको बताता हूं। दोनों चोर भाग खड़े हुए, घर पर आया, पिताजी आप मुझे कितनी उल्टी शिक्षा दे रहे हैं। अरे सत्संग के दो शब्दों से मेरा धन बच गया, मेरा जीवन बच गया। जो आजीवन सत्संग करता है उसे तो साक्षात परमपिता परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इसे आप मुझे कभी सत्संग से रोकना मत। और बैल सेठ का युवा पुत्र सन्यासी बना। बंधुओं, सत्संग का जीवन में बड़ा महत्व है, इसलिए आइए आज पावन प्रज्ञा प्राण की वह कथा जो परम पूज्य गुरुदेव को अति प्रिय है, उनकी पावन वाणी है, सारे विश्व की कल्याणी है, जो संस्कृति की सीता के रूप में, भारत की गरिमा रूपी गीता के रूप में जन जन को एक नवीन पथ प्रशस्त करेगी, ऐसी पावन कथा को हम श्रद्धा पूर्वक सुने श्रवण करें। प्रज्ञा पुराण पावन सद्गुरु की है ये वाणी।
प्रज्ञा पुराण पावन सदगुरु की है ये वाणी। दुनिया पड़ी भंवर में, सदगुरु की है ये वाणी। प्रज्ञा पुराण पावन सदगुरु की है ये वाणी। समझे नव ज्योति वो ही पाए, जो भी सुने व समझे नव ज्योति वो ही पाए। अज्ञान का अंधेरा जीवन से भाग जाए, अज्ञान का अंधेरा जीवन से प्रज्ञा पुराण पावन सदगुरु की है ये वाणी। प्रज्ञा पुराण पावन सदगुरु की है ये वाणी। जड़ता भरी है मन में, इसको हटाए इससे, जड़ता भरी है मन में उसको हटाए इससे। जीवन में कर ले विकसित सद ज्ञान ध्यान जप से, जीवन में कर ले विकसित सद्ज्ञान ध्यान जप से। कर देगी धन्य जीवन, कर देगी धन्य जीवन, युग ऋषि रचित कहानी। प्रज्ञा पुराण पावन सद्गुरु की है ये वाणी। प्रज्ञा पुराण सदगुरु की है ये वाणी। दुनिया पड़ी भंवर में, दुनिया पड़ी भंवर में, मुक्ति दिलाने वाली प्रज्ञा पुराण पावन सदगुरु की है ये वाणी। प्रज्ञा पुराण पावन सदगुरु की है ये वाणी। सदगुरु की है ये वाणी। सदगुरु की है ये वाणी। आज जड़ता को दूर करके चेतना का विस्तार करने के लिए जन जन में पावन प्रज्ञा प्राण की कथा का विस्तार होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए बड़े लंबे समय से आपकी सेवा में इस पावन प्रज्ञा प्राण की कथा का पारायण चल रहा है, और ये पारायण पवित्र जगहों पर साधु संत महात्मा भक्त विद्वज्जन गृहस्थ इकट्ठे होते थे, आरण्यकों में
आपने दंडकारण्य का नाम सुना, नैमिषारण्य में भी कथाएं होती थी, बृहदारण्य हिमालय के अभयारण्य वन में भी जिज्ञासु और वक्ता एकत्रित होकर के सत्संग करते थे। तीर्थों में अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, अवंतिका, हरिद्वार, यहां निरंतर सत्संग चलता था। लेकिन आज का सत्संग कहां हो रहा? तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी के तट पर आज 87,000 ऋषि एकत्रित हुए और उन्होंने अपने आत्मा का मंथन किया। उस मंथन से जो ज्ञानामृत निकला, उस ज्ञानामृत को उन्होंने सोचा कि आज धार्मिक व्यक्तियों में इसका रसपान कराना चाहिए। और बंधुओं, युग ऋषि युग व्यास की लेखनी चलती है। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री गायत्री देव्यै नमः, श्री मन्महाकालाय नमः, श्री प्रज्ञापुराणाय नमो नमः। त्रिवेणी संगमं चयनं अवगाहन्त एव ये कायाकल्प विवत्रैत लाभं विन्दन्ति मानवः। भूय एव वदाम्येतद् धर्म एक इहोदितः समानश्चापि सर्वेभ्यो मनुष्येभ्यः सवर्तते। आज मानव मात्र को कुछ शिक्षा प्रदान करने के लिए भारत के योगी सिद्ध महात्मा तीर्थराज प्रयाग में एकत्रित हुए। और तीर्थराज प्रयाग तो महर्षि याज्ञवल्क्य और मुनि भारद्वाज की तपस्थली है। स्वर्ग के देवी देवता भी लालायत रहते हैं कि हम त्रिवेणी में जाकर के स्नान करें। सादर मजहि सकल त्रिवेणी, सादर मजहि सफल त्रिवेणी, ज्ञान विराग भगति मोद दैनी, ज्ञान विराग भगति मोद दैनी, बट विश्वास अचल निज धर्म, बट विश्वास अचल निज धर्म, तीर्थ राज समाज सब दिन सब देशा, सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, देवत सादर समान कलेशा, सेवक सादर समन कलेशा, मुद मंगल माया संत समाज, मंगलमय संत समाज, जग जंगम तीरथ राजू, जग जंगम तीरथ
पथराजू। गंगा यमुना सरस्वती का मिलन स्थल, ज्ञान वैराग्य भक्ति और प्रसन्नता प्रदान करने वाला है। ये त्रिवेणी क्या है? मनुष्य जीवन के अंदर उसके अंतस में जो ज्ञान है, कर्म है, भक्ति है, यही त्रिवेणी है। और कहा जाता है कि तीर्थराज प्रयाग में एक अक्षय वट है। ये अक्षय वट क्या है कि वट विश्वास अचल निज धर्मा तीर्थ राज समाज सुकर्मा। व्यक्ति के अंदर ईश्वर के प्रति जो अटल विश्वास, यही अटल विश्वास बरगद का पेड़ है। और वहां पर बहुत सारे संत एकत्रित हुए। ये संत कौन है? तीर्थ राज समाज सुकर्मा। व्यक्ति के श्रेष्ठ कर्म ही हमारे जीवन के सच्चे संत। ऐसे तीर्थराज प्रयाग को सभी ने प्रणाम किया। तीर्थ क्या थे और क्या हो गए? पिछले दिनों आपने तीर्थ परंपरा में सुना था, आत्मा को तीर्थ कहा गया है। मनुष्य का पवित्र जीवन ही सबसे बड़ा तीर्थ है। लेकिन आज अगर आप भारत के तीर्थों में चले जाएं, तो हमको इस धर्म मंच से कहने में यह संकोच नहीं होगा कि तीर्थों की पवित्रता अब संदिग्ध हो गई। एक दूसरे को लूटना, एक दूसरे को ठगना, एक दूसरे को मूर्ख बनाना, ये आज सब कुछ तीर्थों में होने लगा। एक मारवाड़ी सेठ आया हरिद्वार में, एक पंडे ने पकड़ लिया। अरे सेठ जी, आपका नाम? कहा मेरा नाम तो जगन्नाथ है। हाँ जगन्नाथ, ठीक ठीक, आपके पिताजी का नाम लक्ष्मीनारायण? हाँ। और उनके पिताजी का नाम गोवर्धन लाल? हाँ। और उनके पिताजी का नाम करोड़ीमल? हाँ। तब तो आप हमारे ही यजमान हैं, चलिए चलिए आपको गंगा स्नान कराएं। शेठ जी ने कहा भाई मैं बच्चा थोड़ी हूं, कर लूंगा खुद गंगा स्नान? कहा नहीं 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 नहीं, बिना संकल्प के गंगा स्नान नहीं होता है, चलिए आपका संकल्प कराएंगे, आप सामान यहां रख दीजिए, आप चलिए पहले गंगा स्नान कीजिए। कहा भाई मैं इतनी दूर से हरा थका आया हूं, तुमने मुझे कुछ खाने तो दिया ही नहीं। कहा नहीं नहीं, गंगा स्नान के बाद में खाना, आप थोड़ा सा कुछ पैसा ले लीजिए, संकल्प में जरूरत पड़ेगी। और वो सेठ पंडे के साथ में गंगा के किनारे आए। पंडित जी ने कहा देखिए सेठ जी, आपको बड़ा संकल्प लेना पड़ेगा गंगा स्नान का। कहा क्या मतलब? आपको गौदान का संकल्प लेना है। का कैसी गौ? अगर 1 लीटर दूध देने वाली गौ का संकल्प लोगे तो 1,000 रुपए, और यदि आप 2 लीटर दूध देने वाली गाय को दान करोगे तो 2,000 रुपए, 5 लीटर वाली का 5,000 रुपए, और 10 लीटर वाली का 10,000 रुपए। बताइए कितना आप संकल्प लेंगे। कहा तुमने मुझे खाने पीने का तो कुछ कहा ही नहीं। तो उन्होंने पंडे ने क्या किया कि गंगा जी की बालू का लड्डू जैसा बना करके और सेठ जी के हाथ में दे दिया। लो सेठ जी, बहुत ज़्यादा आपको भूख लगी है, इसी को चाहे लड्डू मानो, इसी को इमरती मानो, इसी को जलेबी मानो, इसी को गुलाब जामुन मानो, इसी को आप कलाकंद मानो, इसी को आप बर्फी मानो, लो पाओ। सेठ जी ने बालू तो नीचे बहा दी और उन्होंने गंगा जल हाथ में लिया। कहा पैसा भी रख लीजिए कुछ। उन्होंने पैसा रख लिया और जाने क्या बहता हुआ जा रहा था उसको भी हाथ में रख लिया। कहा सेठ जी ने कहा पंडित जी संकल्प बोलो। कहा कितनी लीटर दूध देने वाली गाय? कहा मैं तो बड़ा सेठ हूँ, 10 लीटर दूध देने वाली गाय का संकल्प दिलवाओ। सेठ पंडित जी बड़े खुश हो गए और
शुद्ध उन्होंने संकल्प भी नहीं बोला, अगलम बगलम अगलम बगलम करके और विष्णु 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 करके गौदान संकल्पम अहम करिष्यामि कहा, गौदान संकल्पम अहम करिष्यामि। और जैसे ही उन्होंने पंडित जी के हाथ में सिक्के और फूल दिया तो उसकी जगह एक मेढ़की उछली, कहा अरे ये क्या, ये तो मेढ़क है। कहा क्यों पंडित जी, अगर गंगा की बालू लड्डू हो सकती है, कलाकंद हो सकती है, बर्फी हो सकती है, इमरती हो सकती है, तो गंगा में रहने वाली मेढ़ की क्या 10 लीटर दूध देने वाली गाय नहीं हो सकती क्या। सब तरफ बस एक दूसरे को ऐसे ही बनाते हैं बंधुओं कि क्या बताएं। जबकि तीर्थों में क्या होता था, तीर्थों में जाकर के व्यक्ति आत्मज्ञान को प्राप्त करता था, अपने जीवन का जागरण करता था, संत महात्माओं का आशीर्वाद लेता था। लेकिन आज जहाँ पर भी मेले भरते हैं और जहाँ पर भी आप जाओ, सिवा खांसी सर्दी जुकाम प्रदूषण चोरी चमारी और जेब कतरी, इसके सिवा कुछ मिलता नहीं। इसलिए कहा गया कि तीर्थ राज समाज सुकर्मा। तीर्थ उसी पुण्य भूमि को कहा जाता है जहां पर सुकर्म किए जाते हैं। और ऐसे त्रिवेणी तीर्थ का क्या कहना, जहां पर गंगा यमुना सरस्वती का मिलन हुआ, जहां पर अक्षय वट है, जहां याज्ञवल्क जी महाराज और भारद्वाज ऋषि का संवाद। भारद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, भारद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, नहि राम पद अति अनुराग, सुनहि राम पद अति अनुराग, याज्ञवल्क मुनि परम विवेकी, याज्ञवल्क मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी, भरद्वाज राखे मन विवेकी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी, ज्ञान विराग भगति मुददैनी, ज्ञान विराग भगति मुददैनी। तीर्थ उनको कहते हैं जहां से ज्ञान प्राप्त हो, जहां भक्ति की धारा प्रवाहित होती हो और जहां व्यक्ति के मन में कोई विचार या राग या आसक्ति पैदा ना हो, बल्कि जहां पर वैराग्य पैदा हो। अब वैराग्य का मतलब यह नहीं कि किसी तीर्थ में जाकर के एकदम बाबा जी बन जाए, बल्कि वैराग्य का मतलब है कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यह वैराग्य है। और इस वैराग्य को बच्चा भी अपना सकता है, युवा भी इस पर चल सकता है, और वृद्धों के लिए तो ये बात कही गई, बोलो चालो बको मत, खाओ पियो छको मत, चलो फिरो थको मत, देखो भालो तको मत। बंधुओं ये वैराग्य है। भोजन देख करके टूट पड़े एकदम तो ये वैराग्य नहीं कहलाएगा, लेकिन संतुलित भोजन करें। बोलना शुरू किया तो ऐसे बोले कि सामने को बिच्छू जैसा डंक लगा, यह वैराग्य नहीं है, यह आसक्ति है, यह राग। हमारे ऋषि कहते हैं कि तीर्थों में वैराग्य की भावना उत्पन्न होती है। ऐसे तीर्थराज प्रयाग में आज आश्वालयन ऋषि विराजमान है व्यास पीठ पर, और विद्रुत जो परम दार्शनिक हैं उनके सामने आज जिज्ञासु के रूप में बैठे।
और जो बहुत दिनों से सत्संग जगह जगह चल रहा था, आज धर्मों के पांच युग्मों का सत्संग तीर्थराज प्रयाग में प्रारंभ हो रहा है। इसलिए ऋषि विद्रुथ ने महर्षि आश्वालयन को पूर्ववर्ती प्रसंग का स्मरण दिलाते हुए कहा, भगवान आपने धर्म की विवेचना की थी और धर्म ही मनुष्य जीवन का सच्चा श्रृंगार है, आपने धर्म की तो बहुत सुंदर विवेचना की, लेकिन महाराज आप ये बतलाएं कि धर्म है क्या। हमने अपने ऋषियों मनीषियों मुनियों के मुखारविंद से ये सुना है, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षण। पहले धृति क्षमा दम सम आस्ते शौच इंद्रिय निग्रह विद्या सत्य और शांति, इनको धर्म कहा गया था। लेकिन यदि इस धर्म को युग्म में बांध करके कहें, यदि इनकी युगलबंदी करें, तो हे महाराज आप बताइए कि सच्चे धर्म का कौन सा स्वरूप उभर करके आता है। पिछले दिनों आपने धर्म की बड़ी अच्छी व्याख्या की थी कि जिसको हमने धर्म समझ रखा है ये धर्म नहीं, तिलक छापे लगा लिए, पीले कपड़े पहन लिए, स्फटिक की माला आपने गले में डाली या रुद्राक्ष की माला गले में डाली, इससे धर्म का कोई लेना देना नहीं, ऐसा आपने पूर्व में हम लोगों को उपदेश दिया था और आपने बताया था कि धर्म नहीं भेदों की रचना, धर्म नहीं वर्गों की कारा, धर्म नहीं प्रधान रंगीले, धर्म अरुद्ध चेतना धारा। आज तो धर्म में जितनी जड़ता जड़ गई है, उस जड़ता से आदमी बिल्कुल जड़ बन गया, अब हम निष्प्राण बन गए, पत्थर पूजा लकड़ी पूजी, पूजा है पाषाण को किंतु ना पूजा हमने अब तक धरती के इंसान को, धरती के इंसान को हमने नफरत बांटी, संप्रदाय की आग में इस हमारे प्राणों से प्यारे राष्ट्र को आहुति देने के लिए तैयार हो गए। राष्ट्र प्रेम आज आपसी बैर में बदलता चला गया, धर्म के नाम पर बड़ी बड़ी कथाएं हुई, धर्म के नाम पर बड़े बड़े भंडारे हुए, धर्म के नाम पर बड़े बड़े आडंबर छाए, धर्म के नाम पर खून खराबा हुआ, धर्म के नाम पर लोगों ने अपना पेट भरना शुरू कर दिया। लेकिन इस धर्म से शांति तो मिली ही नहीं, धर्म तो शांति का जनक है, लेकिन आज तो हम ये देखते हैं कि जितना धार्मिक आदमी उतना ही ज्यादा वह हैरान परेशान और अशांत। दिन रात हिलाते रहो भले ही घंटी, भगवान मिलेगा इसकी क्या गारंटी, इसकी कोई गारंटी हमारे पास में नहीं कि घंटी हिलाने से भगवान मिल जाए। अगर घंटी हिलाने से मिले होते तो आज मंदिरों में इतने घंटे लगे हैं, ऐसा लगता है कि भारत का भगवान तो बहरा है, इतने बड़े बड़े घंटे बजते हैं फिर भी वो सुनते नहीं। बंधुओं, जिंदगी की घंटी को जब तक बजाना नहीं सीखेंगे तब तक मंदिरों की घंटी से इस देश का उद्धार होने वाला नहीं।
और जीवन की घंटी तो निशब्द पड़ी हुई। इसलिए वो कहते हैं कि आप धर्म की व्याख्या करके बताइए कि धर्म सच्चा कौन सा है। महर्षि अश्वलायन परम प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, महर्षि अश्वलायन ओजमयी गंभीर वाणी में बोले, धर्मस्य साम दशानां तो लक्षणानां हि विभूतिवा समन्विते च संक्षेपे वक्तुं पञ्चाविसंभवा। धर्म के 10 लक्षण बतलाए गए हैं, उनको 5 युग्मों में बांट करके 5 दिनों तक यह जो सत्र चल रहा है, हे संतो आपके सामने उस शाश्वत वाणी का उल्लेख किया जाएगा। लक्षणानि दशैवास्य धर्मोक्तानि मूर्धनैः योग्म पंचक रूपेता ज्ञातुं शक्या नरेस्तुते। प्रथमे सत्यमे तत्तु विवेकास्य परे पुनः कर्तव्यं संयमस्तत्र तृतीये त्वनुशासनम्। हे भद्रजनो, धर्म के 10 लक्षणों को 5 युग्मों में विभाजित किया गया है। पहला युग्म है सत्य और विवेक, द्वितीय है संयम और कर्तव्य, तृतीय है अनुशासन और व्रत धारण, चतुर्थ धर्म का युग्म है स्नेह और सौजन्य, तथा पांचवा युग्म अर्थात 9वां और 10वां धर्म है पराक्रम और सहकार। योग ऋषि ने अपनी दिव्य लेखनी से आज जनमानस के उद्धार के लिए इस धर्म की विवेचना की और धर्म के 10 सूत्रों को उन्होंने लिपिबद्ध करते हुए कहा, 10 सूत्र धर्म के होते हैं, 10 सूत्र धर्म के होते हैं, ऐसा मुनि जन बतलाते हैं, ऐसा मुनि जन बतलाते हैं, ऐसा मुनि जन बतलाते हैं। पूरक जोड़े यदि बनते हैं, पूरक जोड़े यदि बनते हैं तो 5 युग्म कहलाते हैं, पूरक जोड़े यदि बनते हैं तो 5 युग्म कहलाते हैं, पूरक जोड़े यदि बनते हैं तो 5 युग्म कहलाते हैं। पहला है सत्य विवेक और पहला है सत्य विवेक और दूजा संयम कर्तव्य रहा, दूजा संयम कर्तव्य रहा, दूजा संयम कर्तव्य रहा। अनुशासन और अनुबंध सदा, अनुशासन और अनुबंध सदा से मर्म धर्म का बना रहा, अनुशासन और अनुबंध सदा से मर्म धर्म का बना रहा, अनुशासन और अनुबंध सदा से मर्म धर्म का बना रहा। सहकार और परमार्थ भाव को युग्म 5वां माना है, सहकार और परमार्थ भाव को युग्म 5वां माना है। ऐसे पावन युग्मों में जो आज विवेचना करने जा रहे हैं महर्षि अश्वलायन, उसमें उन्होंने सत्य और विवेक की विवेचना करना ही उचित समझा, क्योंकि आज
सारी दुनिया में असत्य के सिवा कुछ नहीं। आदमी कहता जरूर कि मैं सत्य बोल रहा हूं, लेकिन वास्तव में वो 100% असत्य बोल रहा है। अदालतों में जाएं आप टीवी सीरियलों में देखते होंगे, अदालतें भरी रहती हैं, पिक्चरें पिक्चरों में आपने देखा होगा। मुजरिम से कहलाया जाता है, ये गीता की पुस्तक है, हाथ रख करके कहो गीता पर कि मैं जो भी कहूंगा सत्य कहूंगा, सत्य के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। और वो तोते जैसा बोलता है, जो भी कहूंगा मैं सत्य कहूंगा, सत्य के अलावा कुछ नहीं कहूंगा, जबकि पहले ही पैसा लेकर के वो असत्य बोलने के लिए अदालत में आया। जो भी का भाई है, असत्य का वातावरण चारों तरफ। गीता रोती होगी, रामायण रोती होगी, धर्म रोता होगा, आत्मा रोती होगी, भगवान रोता होगा कि भगवान कितना सस्ता हो गया। भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वर्षा सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम मह। गीता रूपी अमृत को अपराधी कीचड़ बना रहा है। कितने बड़े शर्म की बात है। कसम खाना है तो अपने बाप की खाओ, अपने बेटे की खाओ हाथ रख करके सिर पर, लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों को इतना बदनाम मत करो। हमारे धर्म ग्रंथ हमारे ऋषियों की अमानत है, उनकी जिंदगी भर की तप की पूंजी है, और उनको गंदला मत करो। गीता को इतना सस्ता मत मानो। कोई और किसी धर्म ग्रंथ पर हाथ रखवा करके नहीं कहता, लेकिन गीता को हमने इतना सस्ता मान लिया। गीता सुगीता कर्तव्य के मन्य शास्त्र विस्तर या स्वयं पदुन आवश्य मुख पद्माद विनिश्रिता। साक्षात भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निश्रित गीता पर हाथ रख करके गवाही दी जाती है झूठी, कि जो कुछ कहूंगा सत्य कहूंगा, सत्य के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। सत्य इतना हल्का नहीं है बंधुओं, सत्य तो कितना महान है। सत्य की महिमा के विषय में क्या कहूं, सत्य की महिमा कितनी अपरंपार है। आज तो आदमी सुबह से लेकर के शाम तक असत्य बोलता है। जब किसी से पूछते हैं कहिए क्या हाल है, कहा ठीक है, नहीं है वो ठीक भीतर से। सुबह से शाम तक आदमी कितना झूठ बोलता है, असत्य का आश्रय लेता है। सोता है तो झूठ में सोता है, और जगता है तो झूठ से उसका जागरण होता है। सत्य को हम भूल गए, जबकि सत्य की महिमा कितनी है। सत्य हमको क्या क्या देती है, सत्य हमारे जीवन में कितना बड़ा अमृत भर देता है, जिसके विषय में कहा गया है। महाप्राज्ञ आश्वालयन आज सत्य की विवेचना करते हुए कहते हैं, सत्यार्थस्तु श्रेयोस्ति यदाचारे निगूहितम् तिष्ठति भूमस्वामी तौ स दुराग्रह एव च स्वरूपं नो सहन्ते ते प्रत्यक्षं तस्य निर्गतम् वित्वाचावरणं गन्तुं तथार्थं दूरदर्शिना। हे ऋषियो, सत्य का अर्थ है श्रेय। वह आवरणों से ढका रहता है, भ्रम स्वार्थ और आग्रह इसका यथार्थ स्वरूप प्रकट नहीं होने देते। दूरदर्शिता से जब महापुरुष इन आवरणों को हटा देते हैं, तो सत्य के रूप में मानो अपनी आत्मा की ही परछाई परिलक्षित होती है।
इसे सत्य को नारायण कहा गया, क्योंकि सत्य से बड़ा धर्म नहीं, सत्य से बड़ा तप नहीं, सत्य में ही ईश्वर समाया हुआ है। इसलिए कभी कभी मैं सोचता हूं कि धर्म नारायण की कथा क्यों नहीं होती, न्याय नारायण की कथा क्यों नहीं होती, भजन नारायण की कथा क्यों नहीं होती, या नमो नारायण की कथा क्यों नहीं होती। इनकी भी होना चाहिए, लेकिन चूंकि सत्य नारायण इस दुनिया का एक बोध कराता है कि सत्य ही नारायण है, और इसी यथार्थ ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमारे देश में पूर्णिमा में, अमावस्या में, एकादशी के दिन, जैसे आज एकादशी है, या प्रदोष काल में, या रविवार को, या गुरुवार को, या सोमवार को सत्यनारायण भगवान की कथा घर घर में होती थी, क्योंकि सत्य ही ईश्वर को प्राप्त कराता है, सत्य ही नारायण के दर्शन कराता है। तो कहने का मतलब यह है बंधुओं कि सत्य कितनी बड़ी निधि है जीवन की। हरिश्चंद्र, सत्यवादी हरिश्चंद्र को कौन भूल सकता, रघुकुल के वे सबसे बड़े सम्राट, जिनके यहां इंद्र हर पूर्णिमा के दिन सोने की मोहरों की वर्षा करता था, कुबेर मणि मुक्ता बिखेर देते थे उनके पुण्य धर्म और सत्य को देखकर। एक बार उनको स्वप्न आया कि मेरे गुरुदेव विश्वामित्र ने स्वप्न में मुझसे सारा का सारा राजपाट मांगा है, और मैं उनको सर्वस्व देने के लिए अग्रसित हो रहा हूं। नींद खुली, सपना तो सपना है, देखा कि ना तो नदी का किनारा है, ना सरयू तट है, मैं तो अपने मखमली सैया पर सोया हुआ हूं, लेकिन स्वप्न में भी सत्य का परिपालन होना चाहिए। इसलिए उन्होंने विश्वामित्र ऋषि के आश्रम में हरिद्वार सप्त सरोवर क्षेत्र में सूचना भेजी अयोध्या से कि गुरुदेव सारा राजपाट मैं आपको समर्पित कर चुका हूं, लीजिए इसका संकल्प कराइए। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र पहुंचे, राजा हरिश्चंद्र तुम सत्य कह रहे हो ना, अपने वचन से डिगोगे तो नहीं, डिगने का सवाल ही नहीं, स्वप्न में भी मैं कभी मिथ्या आचरण नहीं कर सकता। ऋषि विश्वामित्र ने सारा राजपाट ले लिया, कहा इसके संकल्प के साथ में कुछ स्वर्ण मुद्राएं भी चाहिए, वे आप कहां से देंगे, अब तो आप पर कुछ भी नहीं है, ये तो सारा राजपाट मेरा है, ये धन दौलत मेरी है, कहा मैं अपने आप को बेचूंगा तो भी 100,000 स्वर्ण मुद्राएं आपको बिक्री करने से प्राप्त नहीं होंगी, क्या करेंगे, कहा मैं अपनी रानी को बेचूंगा, मैं पुत्र सहित बिक जाऊंगा, लेकिन हे ब्राह्मण, हे गुरुदेव, मैं सत्य पर टिका रहूंगा, आप कुछ समय की मोहलत दें। एक राजा कंगला बनकर के निकल पड़ा टीन का कटोरा लेकर, मेरे गुरु को मुझे स्वर्ण मुद्राएं देना है। अयोध्या का राजा बनारस की गलियों में घूम रहा, भिक्षाटन कर रहा है, तो भी पूरी नहीं हुई भिक्षा, समय पास में क्या करूं, एक डोम को अपने आप को बेच दिया।
बेचने के पहले अपनी पत्नी को दासी के रूप में एक जमींदार के यहां बेच दिया और विश्वामित्र की दक्षिणा पूरी की। आप सब कथा जानते हैं, आज हरिश्चंद्र घाट नहीं होता यदि हरिश्चंद्र सत्य का परिपालन नहीं करते, तो बनारस में जितना महत्व दशाश्वमेध घाट का है, जितना महत्व मणिकर्ण का घाट का है, उससे कम महत्व राजा हरिश्चंद्र घाट का नहीं। बिक्री कर दी, अब क्या होगा, डॉम की नौकरी करने लगे, तारामती चक्की चला करके अपने और अपने बेटे का उधर पोषण करती थी। एक बार बेटा रोहित जब पुष्प चुनने लगा, एक काले नाग ने उसको डस लिया, रोहित की मृत्यु हुई। तारामती भूखी प्यासी मजदूरी करती हुई फटे हाल सबसे भिक्षा मांगी, मेरे पुत्र और मुझ पर इतना बड़ा संकट आया है, मेरे जीवन का सबसे बड़ा संकट है, इस बाल पुत्र का चला जाना कोई सहायता करो। किसी ने सहायता नहीं की। मरघट में पहुंची, मरघट में राजा हरिश्चंद्र पहरा दे रहे थे, सावधान, बिना कर दिए कोई अपने शव की अंत्येष्टि ना करे। रख दीजिए वहीं, रख दीजिए। और बंधुओं, आपको विदित है कि किस तरह से तारामती ने आंसू बहाए, फूट फूट करके करुण विलाप किया। आप जानते हैं, मेरा पुत्र रोहित स्वर्गवासी हो गया, सर्प ने डस लिया, मेरे पास केवल एक साड़ी है और वो भी फटी हुई, उसका इतना सा कपड़ा ले लो। हरिश्चंद्र ने कहा, तुम कौन हो देवी? मैं तारामती हूं। अच्छा, मेरी सहचरी तारामती और ये मेरा पुत्र रोहित, लेकिन मैं सत्य के बंधन में बंधा हुआ हूं और सत्य का बंधन अकाट्य होता है। ऐसा नहीं कि केवल आज कहा एक मिनट बाद बात को तोड़ दिया, ऐसा नहीं। मैं धर्म की रक्षा के लिए तुमसे कर जरूर लूंगा। और बंधुओं, इतिहास इस बात का साक्षी है कि राजा हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र का दहन बिना कर लिए नहीं करने दिया। वहां पर साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश, साक्षात विश्वामित्र वशिष्ठ प्रकट हो गए। हरिश्चंद्र, जब तक आकाश में एक भी तारा रहेगा, जब तक धरती पर एक भी जल की बूंद रहेगी, जब तक सूर्य की एक भी किरण रहेगी, जब तक चंद्रमा की शीतलता रहेगी, तब तक सत्य और धर्म के क्षेत्र में केवल तुम्हारा नाम लिया जाए। और आज ऐसा कौन सा बिना पढ़ा लिखा, आज ऐसा कौन सा ऑफिसर अधिकारी, आज ऐसा कौन सा चपरासी मजदूर, आज ऐसी कौन सी माता बहन, आज ऐसा कौन व्यक्ति है जिसका मस्तक हरिश्चंद्र का नाम सुनकर के ऊंचा ना होता। बंधुओ, जान जाए तो जाने दीजिए, लेकिन सत्य मर्यादा जाने न पाए राजा हरिश्चंद्र ने सब लोगों के सामने यह बात चरितार्थ कर दिखलाई। इसे पहन कर हरिश्चंद्र ने सत्य नहीं छोड़ा, इसे पहन कर हरिश्चंद्र ने सत्य नहीं छोड़ा। चली अग्निपथ पर तारा ने पहनाया चोला, चली अग्निपथ पर तारा ने पहनाया चोला। मानवीय गरिमान भुलाओ, मानवीय गरिमान भुलाओ, भटके मन वालों।
त्याग तितिक्षा का रंग है यह। सुनो जगत वालों, बसंती चोला रंग डालो, बसंती चोला रंग डालो, बसंती चोला रंग डालो। हो युग की यही पुकार, बसंती चोला रंग डालो। त्याग तितिक्षा का रंग है यह। सुनो जगत वालों, बसंती चोला रंग डालो, बसंती चोला रंग डालो, बसंती चोला रंग डालो। बंधु, यह सत्य केवल किताबों में लिखा ना रहे। आज संसार में अपराध और उन्माद इसलिए हैं कि हमने सत्य की शीतल छाया को छोड़कर असत्य के आंचल में अपना सिर छिपा लिया है। और यह असत्य दिनों दिन मानवीय जीवन के और मानवीय गरिमा के कद को घटाता चला जा रहा है। पहले आदमी का कद भी बड़ा होता था, पद बड़ा हो या ना हो, लेकिन आज जितना बड़ा पद वाला है उस कीड़े को जब देखते हैं तो वो कीड़ा क्षुद्र दिखाई देता है, उसका कद बहुत तेजी के साथ में घट गया। यह मंच किसी पर व्यंग नहीं करती, लेकिन यहां पर हजारों हजार बुद्धिजीवी ऋषि आत्माएं बैठी हुई हैं, इसे यह मंच संकेत से बात कर रही है कि सत्य का कितना अपने आप में महत्व है। और असत्य आदमी को ठगता है। एक आदमी ने झूठ बोलकर एक वकील को ठग लिया। उसने देखा कि ये देखो कितने जमीन जायदाद का मालिक है, ये सारी जमीन जायदाद तो मेरी होना चाहिए। वकील के पास गया, वकील साहब ये लाखों की जमीन जायदाद मेरी है और इस सामने वाले ने इसको हड़प लिया है, आप यदि मुकदमा जितवा देंगे तो मैं तुझको आपको 1,00,000 रुपया दूंगा फीस आपकी। का तुम्हारी है मेरी है या नहीं, आप तो बताइए मुकदमा जितवा देंगे कि नहीं जितवाएंगे। कहां मैं मुकदमा की पैरवी करूंगा। हर आदमी असत्य पर टिका हुआ है। गए जज के सामने, मुकदमा पहुंचा, साहब ये देखिए कितना गरीब आदमी है और इसकी जमीन जायदाद जो इसके पुरखों की थी ये सामने वाले ने हड़प ली है। तो वकील ने पहले ही उसको सिखा दिया था कि तुझे क्या क्या करना है। अदालत में पहुंचा, पागलों का रोल करने लगा। उसने जज ने पूछा, क्यों भाई तुम्हारा नाम क्या है? कहा भैं। देखिए साहब कितना सीधा साधा है और पागल हो गया ये जमीन के जोखिम के कारण। तुम्हारी उम्र कितनी है? कहा भैं। अच्छा ये बताओ कि ये जमीन जायदाद तुम्हारी है ना? कहा भैं। देखिए साहब कितना इसको आघात पहुंचा है कि ये बिल्कुल पागलपन इस पर सवार हो चुका है। देखिए इस सामने वाले ने कितना अन्याय किया। कहा भाई ये जमीन तुम्हारे पास में कब से थी? कहा भैं। हर बात में उसने बस एक ही शब्द कहा भैं भैं। और जज ने लिख दिया कि ये जमीन के जोखिम के सकते में आकर शख्स पागल हो चुका है, अब इसके बच्चों के भरण पोषण के लिए ये सारी जमीन जायदाद जो भी इसके नाम की है ये इसके बच्चों के नाम कर दी जाए। और जैसे ही निर्णय हुआ, वकील ने कहा था तू है तो अच्छा लेकिन पागल का रोल करना, अब ला मेरे 1,00,000 रुपए फीस दे। तो उनका एक दूसरे को इतना सत्य इतना अधिक बनाते हैं कि क्या बताए। आज सारी दुनिया भय पर चल रही है पर नहीं चल रही।
आज पावन प्रज्ञा प्राण की वह कथा जो परम पूज्य गुरुदेव को अति प्रिय है, उनकी पावन वाणी है, सारे विश्व की कल्याणी है, ऐसी पावन कथा को हम श्रद्धा पूर्वक सुने श्रवण करें। प्रज्ञा पुराण पावन सद्गुरु की है ये वाणी, प्रज्ञा पुराण पावन सद्गुरु की है ये वाणी। दुनिया पड़ी भंवर में, अज्ञान का अंधेरा जीवन से भाग जाए, अज्ञान का अंधेरा जीवन से भाग जाए, अज्ञान के तिमिर से, अज्ञान के तिमिर से हम पुराण पावन सद्गुरु की है ये वाणी, क्या पुराण पावन सद्गुरु की है ये वाणी। जड़ता भरी है मन में, इसको हटाए इससे, जड़ता भरी है मन में उसको हटाए इससे, जीवन में कर ले विकसित सद्ज्ञान ध्यान जप से, जीवन में कर ले विकसित सद्ज्ञान ध्यान जप से, कर देगी धन्य जीवन, कर देगी धन्य जीवन, युग ऋषि रचित कहानी, प्रज्ञा पुराण पावन सद्गुरु की है ये वाणी, प्रज्ञा पुराण पावन सद्गुरु की है ये वाणी। दुनिया पड़ी भंवर में, दुनिया पड़ी भंवर में, मुक्ति दिलाने वाली प्रज्ञा पुराण पावन सद्गुरु की है ये वाणी, प्रज्ञा पुराण पावन सद्गुरु की है ये वाणी, सद्गुरु की है ये वाणी, सद्गुरु की है ये वाणी। महाप्राज्ञ आश्वालयन आज
सत्य की विवेचना करते हुए कहते हैं, सत्यार्थस्तु श्रेयोस्ति यदाचारे निगूहितम् तिष्ठति भूमस्वामी तौ स दुराग्रह एव च स्वरूपं नो सहन्ते ते प्रत्यक्षं तस्य निर्गतम् वित्त्वा चावरणं गन्तुं तथार्थं दूरदर्शिना। हे ऋषियो, सत्य का अर्थ है श्रेय। वह आवरणों से ढका रहता है। दूरदर्शिता से जब महापुरुष इन आवरणों को हटा देते हैं तो सत्य के रूप में मानो अपनी आत्मा की ही परछाई परिलक्षित होती है। इसे सत्य को नारायण कहा गया, क्योंकि सत्य से बड़ा धर्म नहीं। धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, नहीं असत्य सम पातक पुंजा, नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरि समय हो ही की ओटिक गुंजा, गिरि सम हो ही कोटिक गुंजा, सत्य संध पालक श्रुति सेतु, सत्य संध पालक श्रुति सेतु, राम जनम जग मंगल हेतु, राम जनम जग मंगल हेतु। बंधु, सत्य लोक मंगल के लिए सबसे बड़े धर्म के रूप में दुनिया में प्रतिष्ठित है, और एक असत्य कितना बड़ा अनर्थ कराता है। भगवान श्री कृष्ण ने अधर्म पर विजय प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा असत्य का सहारा ले लिया तो उसका कितना बड़ा घातक परिणाम हुआ, आप लोगों से छिपा नहीं। आप सब जानते, जब द्रोणाचार्य 10,000 योद्धाओं का वध करने लगे प्रतिदिन, हाहाकार मच गया पांडवों की सेना में। अब क्या होगा? गुरु द्रोणाचार्य ने सारे राजकुमारों को, सारी दुनिया को धनुर्विद्या की शिक्षा प्रदान की है, और वे ही जब हमारे दुश्मन के रूप में हमारे सामने खड़े हैं तो विजय की आस तो अब स्वप्न बनकर के रह गई। कृष्ण भगवान मुस्कुराए और उनकी मुस्कान में ही सारा रहस्य छिपा है। जब द्रोणाचार्य वीरों को वीरगति प्रदान करा रहे थे, उसी समय कृष्ण ने, श्री कृष्ण भगवान ने भीम से कहा कि भीम, द्रोणाचार्य जी से कह दो, इनको अप्रिय समाचार सुना दो कि अश्वत्थामा मारा गया। भीम रथ पर खड़ा हुआ, जोर से चिल्ला करके बोला, गुरुदेव गुरुदेव, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य का, भीम तू झूठा है, बचपन में भी तू 100 लड्डू खाता था मेरे गुरुकुल में और कहता था अभी मैंने कुछ भी नहीं खाया, मैं तेरे झूठपन को जानता हूं, तू असत्य बोल रहा है। हां, सत्यवादी धर्मराज युधिष्ठिर यदि यह बात कहेंगे तो मैं सत्य मान लूंगा। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, कह दीजिए ना, कहा जब मरे ही नहीं तो मैं कैसे कहूं। तो भीम ने अश्वत्थामा नाम का हाथी मार दिया। अब तो कहोगे का हाथी मरा है तो हाथी ही कहूंगा,
भगवान कृष्ण ने कहा पहले सीधी नाक ना पकड़ करके उल्टा घुमा करके नाक पकड़ लो, क्या मतलब? पहले हाथी ना कह करके मनुष्य कह दो। अच्छा कह देता हूं। और युधिष्ठिर रथ पर खड़े हुए जोर के सिंहनाद करते हुए बोले, गुरुदेव मेरी छाती फटी जा रही है, आपकी बहुत बड़ी क्षति हो गई। क्या हुआ? अश्वत्थामा हता नरो वा कुंजरो वा। और जैसे ही नर कहा वैसे ही भीम ने जोर से नगाड़ा बजा दिया। आगे का शब्द द्रोणाचार्य सुन नहीं पाए और अस्त्र शस्त्र छोड़कर म्लान मुख करके पुत्र के वियोग में रथ के नीचे बैठ गए। दृष्टद्युम्न दौड़ा दौड़ा आया और उसने द्रोणाचार्य का सिर काट दिया। एक असत्य का कितना बड़ा दुष्परिणाम हुआ जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया। 18 छोड़ी सेना धूल धूस्त्रित हो गई, केवल 3 योद्धा कौरव पक्ष के शेष रहे, एक कृपाचार्य, एक कृतवर्मा और एक अश्वत्थामा। अश्वत्थामा बड़ा परम मित्र था दुर्योधन का। दुर्योधन को जब खून की कीचड़ में कराहते हुए देखा तो अश्वत्थामा की छाती फट पड़ी। कहा, मित्र चिंता मत करो, मैं तुमको दुश्मनों का अति दुखद और तुम्हारे लिए बड़ा सुखद समाचार लेकर के आता हूं। आधी रात में पांडव विजय श्री का जश्न मना रहे थे, सौमरस पीपी के अपनी थकावट उतारने के लिए सभी गहरी नींद में सो गए। कृष्ण भगवान को कुछ भनक लगी, आज अश्वत्थामा को षड्यंत्र करेगा, क्योंकि वो है तो ब्राह्मण लेकिन कुटिल ब्राह्मण है। ब्राह्मण और कुटिल हो तो समाज के लिए बड़ा घातक होता है, और आज के ब्राह्मणों की बात मैं क्या करूं कि बेप्र निरक्षर लोलुप कामी निराचार सठ ब्रसली स्वामी। आज ब्राह्मण पूरी तरह से निराचार, अश्वत्थामा निराचार हुआ तो कितना बड़ा अत्याचार हुआ आप जानते हैं ना। आदि अर्धरात्रि काली रात अमावस्या की, सब लोग सोए हुए थे। द्रौपदी के 5 युवा पुत्र लैन से स्वर्ण सैया पर सोए थे शिविर में। अश्वत्थामा तलवार लेकर के घुसा और ये सोच करके कि इस शिविर में युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव सो रहे हैं, लो आज मैं इनका पत्ता ही साफ किए देता हूं जड़ से। और उसने द्रौपदी के बड़े होनहार युवा पुत्रों का सर काट डाला। कोहराम मच गया, हाहाकार मच गया, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? अरे हम तो निश्चिंत हो गए थे कि हमने दुश्मन पर विजय प्राप्त कर ली, लेकिन हे भगवान आप बताओ ये किस बात का फल हमको मिला। द्रौपदी चीख मार मार करके रोने लगी, हमारा वंश तो निर्मूल हो गया, अब क्या होगा? कृष्ण भगवान मुस्कुराए, हे युधिष्ठिर मैंने मुस्कुरा करके आपको कहा था कि आप ऐसा बोलो, लेकिन आप मेरी मुस्कान को ना समझ सके। आपने एक झूठ बोला, एक झूठ के कारण एक बाप की गर्दन तो तत्काल कट गई, लेकिन एक असत्य आपके सिर पर कितना बड़ा पाप के रूप में हावी हुआ कि आपके 5 युवा पुत्र आपकी आंखों के सामने आज कटे पड़े। बंधुओं असत्य का कितना बड़ा परिणाम हो, नहीं असत्य सम पातक पुंजा
अगरि सम हो ही की कोटि का गुंजा। असत्य से बड़ा कोई पाप नहीं, लेकिन ये मनुष्य किन किन योनियों में क्या क्या बनेगा, सुबह से शाम तक अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए असत्य असत्य बोलता रहता है, झूठी झूठ बोलता रहता है, जबकि आज आवश्यकता है कि सत्य मर्यादा हमारे जीवन में से जाने ना पाए, इसके लिए हमको सत्य का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि सत्य मर्यादा जब जीवन में से जाती है तो युधिष्ठिर जैसा कष्ट मनुष्य को जीवन में उठाना पड़ता है। आज कितनी जवान मौतें हो रही हैं, आज कितनी बहुएं जल रही हैं, आज कितनी बेटियां सिसक रही हैं, आज कितने अधिक घोटाले हो रहे हैं, आज कितने घाटे हो रहे हैं, आज आदमी को पग पग पर पाप परेशान कर रहा है। ये सबसे बड़ा पाप असत्य है, इसलिए इस असत्य को हटाएं और सत्य की मर्यादा को समझें, जिसके विषय में कहा गया। आज तो सत्य भी झुकने लगा पैसे के लिए, आज तो सत्य भी झुकने लगा पैसे के लिए, आज तो न्याय भी बिकने लगा पैसे के लिए, आज तो न्याय भी बिकने लगा पैसे के लिए, खाद्य सामग्री में पैसा ही मिलावट करता, खाद्य सामग्री में पैसा ही मिलावट करता, दवा को जहर बनाने से भी नहीं डरता, दवा को जहर बनाने से भी नहीं डरता, दवा को जहर बनाने से भी नहीं डरता, जागते सोते नजर सिर्फ आ रहा पैसा, जागते सोते नजर सिर्फ आ रहा पैसा, सभी के दिल दिमाग पर ही छा रहा पैसा, सभी के दिल दिमाग पर ही छा रहा पैसा। बंधुओं, आज हमारा जीवन पूरी तरह से गृहित बंधनों में बंधा हुआ है, और इसका कारण क्या है? क्योंकि सत्य का मुख ढका हुआ है। हमारा उपनिषद कहता है, हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितं मुखं तत्त्वं पूषन पावरण सत्य धर्माय दृष्टे। आज सत्य का मुख सोने के ढक्कन से ढका हुआ है, और ये सोने का ढक्कन आप जानते हैं कि क्या है? ये लोग मोह, अहंकार, भ्रम, स्वार्थ, दुराग्रह, ये सब सोने के ढक्कन। आज पैसे ने, रुपये ने, सोने ने, स्वार्थ ने मनुष्य को सत्य से कोसों दूर कर दिया, और आज सारी दुनिया में भ्रम फैला हुआ है। आज हर आदमी भ्रमों में जी रहा है, भ्रांतियों में जी रहा है। मैं कभी कभी सोचता हूं कि ये मनुष्य पशु पक्षियों के नाम से दूसरे मनुष्य को क्यों गाली देता है, जो बिना पढ़े लिखे उचक्के लोग होते हैं वो कभी कभी किसी आदमी को कहते हैं कुत्ता। कुत्ता कितना वफादार है, लेकिन ये कुत्ता क्यों कहा? उसकी अधमता के कारण कुत्ता कहा गया। कई लोग कहते हैं तुम तो उल्लू हो। उल्लू? तो ये उल्लू क्यों? क्योंकि उसको अंधेरे में दिखाई देता है और प्रकाश में दिखाई नहीं देता। आज हर आदमी अंधकार में जीने वाला हो गया, प्रकाश के मार्ग पर कोई चलते नहीं। कई लोग और भी देखो कैसा उल्लू बनाया, कहा तुम रटंत तोता क्यों लगाए हुए हो? तोता टेटे टेटे करता है, दिन भर बोलता है लेकिन काम की एक भी बात नहीं कहता। आदमी भी दिन भर बोलता है लेकिन काम की कोई बात नहीं करता। कई लोग कहते हैं गधा जैसा रैंको मत, गधे कहीं के। मैंने कहा गधा क्यों कहा? गधा भी कहना
आज के युग में यथार्थ है। और ये गधा शब्द बहुत चलता है, गधा, ग मतलब गलत, धा मतलब धारणा। जो गलत धारणाओं में जिए, जो गलत भ्रांति में जिए वो गधा। और आज हर आदमी के प्रति गलत धारणाओं में जीता है। पति पत्नी के प्रति गलत धारणाओं में है, पत्नी पति के प्रति गलत धारणा बनाती है, बाप बेटे के प्रति गलत धारणा में है, बेटा बाप के प्रति गलत धारणा में है। आज कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो एक दूसरे के प्रति गलत धारणा ना रखता हो। कितनी बड़ी गलत धारणा। उर्वशी की ओर अर्जुन देख रहा था, उर्वशी गलत धारणा में आ गई, अर्जुन शायद मुझे प्रेम करने लगा। जाकर के उसने प्रेम निवेदन किया, देवी तुम गलत धारणाओं में, मैं तुम्हारी तरफ देख जरूर रहा हूं, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि स्वर्ग की यह गुरु माता कितनी अपूर्व सुंदरी है। मैं आपको माता के रूप में देख रहा था, आपने ये क्या किया। और हर आदमी एक दूसरे के प्रति गलत धारणाओं में डूबा हुआ है, इसे ये भ्रम। और जे ही जाने जग जाई हिराई, जागे जथा स्वपन भ्रम जाई, बंदौ बाल रूप सोई रामू। मैं उस भगवान की प्रार्थना करता हूं जिसके जानने से सारे संसार के भ्रम दूर हो जाते। एक बार भगवान श्री राम और लक्ष्मण पंपा सरोवर पर बैठे थे। लक्ष्मण से कह रहे थे, भैया देखो ये बगुला कितना परम भक्त है, कितना संत है, पैर कितने संभाल संभाल करके रख रहा है कि किसी कीड़े पर पड़ करके कीड़ा कहीं खत्म ना हो जाए। बगुला से सुंदर भक्त तो दुनिया में कोई नहीं। एक वहीं पर पंपा सरोवर में मछली थी परम भक्ता उदार चेता। मछली किनारे पर आई, जीव हिला हिला करके कहने लगी, भगवान आप बड़े भ्रम में हैं। क्यों? मेरा बहुत बड़ा कुटुंब कबीला था, लेकिन इस बगुला भगत ने जिसको आप संत समझ रहे हैं, आप भ्रम में पड़े हुए हैं, चोंच मार मार करके मेरे सारे परिवार को द्रष्ट कर लिया, इसलिए आप भ्रम में ना पड़े, ये भक्त नहीं, ये तो हमारी जाति का शत्रु है। बंधु आज लोग कितने भ्रम में जीते, आह कितना सुंदर ज्ञानी है, कितना बड़ा भक्त है। मन मैले तन उजरे बगुला भगत अनेक, उनते तो कौआ बलो बाहर भीतर एक। आज आदमी कितने भ्रम में जी रहा है। एक लोमड़ी थी, उस लोमड़ी ने उसकी पूंछ की ओर सूरज आ गया और आगे को उसका उसकी छाया दिखाई दी, तो कहा ओह मैं कितनी बड़ी हो गई, आह चलो हाथी को ललकारू, अब तो मैं हाथी से लड़ने वाली हो गई और हाथी बराबर खाऊंगी, हाथी के गोश्त से ही मेरा पेट भरेगा। पीठ पीछे उसका सूरज था तो परछाई उसको हाथी बराबर दिखाई पड़ रही थी, चिल्लाने लगी मैं हाथी बराबर हो गई, हाथी बराबर हो गई, हाथी बराबर हो गई। खरगोश आया, लोमड़ी मौसी कितने बड़े भ्रम में है तू, क्यों जरा पीछे मुख कर। और जैसे सूरज उसके सामने आया तो मेढ़ की जैसी उसकी परछाई छोटी सी दिखाई दी। देख तू मेढ़ की है लेकिन अपने आप को हाथी समझ रही। आज आदमी कितने बड़े भ्रम में है, छोटा सा काम करता है लेकिन सत्य के मुख को वो ढक देता है, बहुत बड़ा समझता है। एक चींटी जा रही थी दौड़ती दौड़ती, कहीं से उसको इतना सा धागा मिल गया था मुंह में दबाकर। हाथी ने चींटी की प्रसन्नता देखी तो कहने लगा, ओ चींटी दीदी कहाँ जा रही हो। कहा मैं दर्जी के लिए दर्जी के यहां जा रही हूं। क्यों?
अपना फिराक सिलवाने देखते नहीं हो, मुझे कपड़े की थान मिल गई। तो कहा अगर कपड़ा बच जाए ना चींटी दीदी तो तू मेरा एक पजामा भी सिलवा ला जा। आज भी कितने बड़े भ्रम है, इतना सब मकान, इतनी सी दुकान, इतना सा बंगला, एक गाड़ी, 1 करोड़ रुपए का बैंक बैलेंस, और उसके बाद भी वह समझता है ओहो मैं कितना बड़ा आदमी हूं। वो लिप्सा को नहीं छोड़ता, लिप्सा भ्रम उसके पीछे लगा रहता है, पद चला जाता है लेकिन पद को छोड़ता नहीं। एक आदमी से पूछा आप कौन हैं? कहा मैं भूतपूर्व प्राचार्य हूं। अच्छा आपके पिताजी कौन? कहा भूतपूर्व विधायक थे। अच्छा आपके दादा कौन? कहा वो भूतपूर्व सांसद। अरे वाह, और आपके ये परिवार के लोग? अरे साहब मेरे यहाँ कोई भूतपूर्व मिनिस्टर है, कोई भूतपूर्व मंडल सरपंच है, कोई भूतपूर्व ये आपका बैंक मैनेजर है, और मेरी पत्नी भी भूतपूर्व प्राचार्या है। तो आपके मकान का नाम क्या, इस बंगले का नाम? कहा इस बंगले का नाम है अमृत कलश। तो मैंने सिर पीट लिया, कहा इस कमरे इस बंगले का नाम आप भूत बंगला रख लीजिए, क्योंकि सब इसमें भूतपूर्वी भूतपूर्व रहते हैं। अरे अभूतपूर्व कार्य करो, भूतपूर्व को आप ध्यान न रखो, सत्य को समझ लोगे, सत्य अभूतपूर्व तथ्य का नाम। लेकिन बंधु क्या करें, आज व्यक्ति के जीवन में से भ्रम का भूत जाते नहीं। भ्रम के भटकावों को छोड़ दो तभी सत्य रूपी भगवान की प्राप्ति होगी, अन्यथा यह भ्रम भूत बनकर के एक दिन हमारा सर्वनाश कर देगा। इसलिए युग ऋषि चेतावनी देते हैं कि भ्रमों को निकालो, भ्रम के भटकावे छोड़ो, कुछ काम प्रभु का कर लो रे। भ्रम के भटकावे छोड़ो, कुछ काम प्रभु का कर लो रे। भ्रम लुटा रहा युग पुरुष सिद्धियां, चाहे झोली भर लो रे, भर लो रे, भर लो रे। भ्रम के भटकावे छोड़ो, कुछ काम प्रभु का कर लो रे। भ्रम के भटकावे छोड़ो, कुछ काम प्रभु का कर लो रे। यो तो करने वाले करते भारी पूजा पाठ, यो तो करने वाले करते भारी पूजा पाठ, लेकिन प्रभु का काम न करते, करते कोरी बात, बात ही बातन देते साथ। भ्रम के भटकावे छोड़ो, कुछ काम प्रभु का कर लो रे। भ्रम के भटकावे छोड़ो, कुछ काम प्रभु का कर लो रे। नाव बांध कर इस बेड़े से खुद भव सागर तर लो रे, तर लो रे, तर लो रे। भ्रम के भटकावे, भ्रम के भटकावे छोड़ो, कुछ काम प्रभु का कर लो रे। भ्रम के भटकावे छोड़ो, कुछ काम प्रभु का कर लो रे। भ्रम के भटकावे छोड़ो, कुछ काम प्रभु का कर लो रे। भ्रम के भटकावे छोड़ो, कुछ काम प्रभु का कर लो रे। तो सत्य का मुंह ढकने वाला एक बड़ा ही अनिष्टकारी तत्व है भ्रम, और दूसरा सत्य का मुंह स्वार्थ से ढका हुआ है। स्वार्थ, आज हर आदमी स्वार्थ। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लग करही सब प्रीति। हर आदमी स्वार्थ में, परमार्थ कहीं दिखाई नहीं देता। परमार्थ यदि जीवन में उतर आए, जिसके विषय में कहा है कि पार हित सारिश धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा समूह नहीं आदमा। लेकिन आज आदमी इतने स्वार्थ में जुड़ा है कि
कि यदि पत्नी से पति को स्वार्थ ना हो, पति को पत्नी से स्वार्थ ना हो, तो ये एक छत के नीचे रहते हुए भी कभी एक दूसरे से बातचीत भी ना करें। अगर आदमी को घर में सोने का, स्नान करने का, भोजन करने का स्वार्थ ना हो, तो यह मनुष्य इतना स्वार्थी है कि कभी घर का दरवाजा भी ना दे। सब स्वार्थ में जुटे हुए हैं कि स्वार्थ लाग करहिं सब प्रिय। मेरा पेट भर जाए, दूसरा भूखा रहे। मुझे मकान मिल जाए, दूसरा धूप में पड़ा रहे। मेरा नाम हो जाए, दूसरा अंधेरे कोने में सिसकता रहे। बंदो, ये स्वार्थ परता, ये खुद गर्जी आदमी को कहां से कहां ले जाती। खुद गर्ज लोग कपट का सहारा लेते, कपट कर, और कपट मुनि खुद तो अपना सत्यानाश कराता है, दूसरे का भी विनाश कर देता है। राजा प्रताप भानु की कोई गलती नहीं थी, सत्य केतु के पुत्र थे, जिनकी ध्वजा से ही सत्य झलकता था। लेकिन कपट मुनि के कुचक्र में पड़कर उन्होंने अपना विनाश कर लिया। कहके ही भगवान श्री राम पर अपना प्राण न्यौछावर करती थी, लेकिन स्वार्थ कपट छल छिद्र ने जो कहके ही कभी कहती थी, प्राण समान राम प्रिय मोरे, प्राण समान राम प्रिय मोरे, कर तेला कछो बकस तोरे, न कर तेला कछो बकस तोरे, राम तेला कछो साचे हुकाली, राम तेला कछो साचे हुकाली, कोई देऊ मन भावत आली, भावत क्या के ही भगवान श्री राम को अपने प्राणों के समान प्रिय बताते। लेकिन जब कुटिल मंथरा ने, स्वार्थी मंथरा ने कि ये मेरा है ये पराया है, या स्वार्थ जब बढ़ा, कही कही कोटिक कपट कहानी, कही कही कोटिक कपट कहानी, धीरज धरहु प्रबोध सिरानी, धीरज धरहु प्रबोध सिखानी। कपट के कुचक्र में पड़ कर के वही कह के ही स्वयं कितने बड़े स्वार्थ में पड़ गई। सुन मंथरा बात सुन तोरी, सुन मंथरा बात सुन तोरी, दैनी आँख नित फरकत मोरी, दैनी आँख नित फरकत मोरी, दिन प्रति देखाऊं रात को सपने, दिन प्रति दे रात को सपने, कहूँ ना तो ही मोह बस अपने, कहूँ ना तो ही मोह बस अपने। स्वार्थ कपट सिखाता है, और कपट बने बनाए काम को बिगाड़ देता है। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन पर हरि रघुवर विरह राव गयो सुर धाम। एक छोटे से क्षुद्र स्वार्थ ने रानियों को वैधव्य प्रदान करा दिया। आज जो भी कुछ झगड़ा आप देख रहे हैं, लड़ाई देख रहे हैं, ये संकीर्ण मनोवृत्ति के कारण सारी दुनिया में हाय तोबा मची हुई है।
बंधो सत्य का मुख इस स्वार्थ ने भी बंद कर रखा है और स्वार्थ ने आज मानव मन में ऐसा डेरा डाल करके रखा है कि हटने का नाम नहीं लेता। कभी भी आदमी ये नहीं सोचता कि भगवान ने परमार्थ के लिए हमको यह जीवन दिया है। अरे हमसे अच्छे तो ये जड़ पदार्थ हैं जो परोपकाराय फलंति वृक्षा परोपकाराय महंति नद्या परोपकाराय दहंति गावा परोपकाराय सताम विभूति ही। अरे इन विभूतियों से हमको शिक्षण प्राप्त करना चाहिए, लेकिन क्या करें, आज लोभ मोह के बंधनों ने हमको इतना स्वार्थी बना दिया कि ना हमको आत्मा दिखाई देती, ना परमात्मा दिखाई देता, ना जीवात्मा दिखाई देती, ना देश, ना संस्कृति, ना धर्म और सत्य से तो हम कोसों दूर हो गए। आज ऐसा स्वार्थ ने डेरा डाल रखा है। मनो में स्वार्थ का डेरा, मनो में स्वार्थ का डेरा पड़ा, अज्ञान का घेरा पड़ा, अज्ञान का घेरा, इसी में श्रम खपा जाता, 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 समय सारा चुका जाता, समय सारा खपा जाता, कर सके कुछ तो प्रभु के काम, सके कुछ तो ऐसे काम, हे घनश्याम राजा राम, हे घनश्याम राजा राम, हे गुणधाम हे सुखधाम, हे गुणधाम हे सुखधाम, हे घनश्याम राजा स्वार्थ ने सत्य को भी असत्य बना दिया। एक फल वाले की दुकान पर तीनों चक्के लोग खड़े हुए थे। उनमें से एक ने मालिक की आंख बचाकर एक बड़ा फल चुरा लिया और चुपके से साथी के हवाले कर दिया। पकड़े जाने के भय से उसने तीसरे की ओर खिसका दिया और उसने एक अन्य को वह फल दिया जो वहां से खिसक लिया। फल की चोरी दुकानदार के पकड़ में आ गई। वह दुकानदार झंझट करने लगा तो उन्होंने बात तो सत्य कही थी लेकिन सत्य थी नहीं। जिसने फल उठाया था उसने कसम खाई कि मेरे पास में फल नहीं है। दूसरे ने कसम खाई कि मैंने नहीं चुराया। उसने कहा मेरे पास नहीं है, जिसने चुराया था। और जिसने उसको दिया वो कहने लगा कि फल मैंने नहीं चुराया। और तीसरा कसम खाने लगा कि मेरे पास में फल है ही नहीं। बात तीनों की सही थी
लेकिन उन्होंने कैसे सत्य को असत्य में बदल दिया और वह भी सत्य प्रतीत होने लगा। बंधुओं, ये निर्णय करना आज की दुनिया में बड़ा कठिन है कि क्या सत्य क्या असत्य है। सत्य और असत्य का भेद करना बड़ा कठिन है, इसीलिए योग ऋषि कहते हैं, आधार मीमाश्रित्य सत्या सत्य विनिर्णय भक्तुम युज्यन्ते नात्र निर्णमो निकूलगम एतदाश्रित्य कर्तव्यम भवती है परीक्षेताम तर्क प्रामाण्य साणे तद उच्चते है मचन्ता। सत्य असत्य का निर्णय किस आधार पर करना चाहिए, यह चिंतन मानवीय गरिमा को ऊंचा उठाता है। आदर्शवादिता का समावेश किसमें है? सत्यासत्य की विवेचना इसी उत्कृष्टता के आधार पर होनी चाहिए। तर्क और प्रमाण की ऐसी कसौटी बननी चाहिए जिससे सत्य रूपी स्वर्ण की सही परीक्षा हो सके। आज के युग में कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी जो सत्य देख रहा है, जो कुछ देख रहा है, देखते हुए भी सत्य नहीं है। जो सुन रहा है वो सुनते हुए भी सत्य नहीं है। इसे सत्य की मीमांसा क्या है? सत्य की मीमांसा यह है कि जिसमें लोक हित हो वह सत्य है। एक महात्मा के आश्रम से एक गाय भागती हुई चली जा रही थी और महात्मा ने देखा कि एक कसाई तलवार लेकर के और उसको काटने के लिए दौड़ रहा है। गाय ऋषि के आश्रम के पीछे आकर के छिप करके खड़ी हो गई। महात्मा जी से उस कसाई ने पूछा, गाय इधर गई है? महात्मा जी ने कह दिया, हां गई तो उधर ही थी। लेकिन महात्मा जी, अगर ये सत्य बताते कि गाय गई तो इधर है लेकिन वो मेरे आश्रम के पीछे खड़ी हुई है, तो हो सकता था कि गौ हत्या का आधा पाप ऋषि को लग जाता। लेकिन गौ का जीवन बचाने के लिए असत्य बोल देना भी उस समय की परिस्थितियों में सत्य है। अगर किसी गरीब का जीवन बच रहा हो, यदि किसी का घर बर्बाद होने से बच रहा हो, तो लोक हित में असत्य बोल देना भी सत्य के बराबर है। ऋषियों ने ऐसा करके लाखों व्यक्तियों का जीवन बचाया। बंधुओं, आज सत्य की मीमांसा के विषय में क्या कहें, हमारी जान भले ही चली जाए, सत्य की मर्यादा को जाने समझें। सत्य वही है जिसमें लोक मंगल छिपा हो, ऋषियों ने यही बात इन शब्दों में कही। सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आ। जान जाए तो जाने दे लेकिन, जान जाए तो जाने दे लेकिन, सत्य मर्यादा जाने न पाए, सत्य मर्यादा जाने न पाए। जान जाए तो जाने दे लेकिन, सत्य मर्यादा जाने न पाए, सत्य मर्यादा जाने न पाए।
स्वप्न में भी किसी की आत्मा, स्वप्न में भी किसी की आत्मा, झूठ के द्वारा दुख ने न पाए, झूठ के द्वारा दुख ने न पाए, झूठ के आपको जो ये नर्तन मिला है प्यारे परमार्थ करने के खातिर, आपको जो ये नर्तन मिला है प्यारे परमार्थ करने के खातिर, आपको जो ये नर्तन मिला है प्यारे परमार्थ करने के खातिर, हाँ खातिर प्यारे परमार्थ करने के खातिर, हाँ खातिर प्यारे परमार्थ करने के खातिर, स्वार्थ है तब ये माला घुमाना, स्वार्थ है तब ये माला घुमाना, मन मतंग हस्ती हिलने न पाए, मन मतंग हस्ती हिलने न पाए, जान जाए तो जाने दे लेकिन, जान जाए तो जाने दे लेकिन, सत्य मर्यादा जाने न पाए, पाए सत्य मर्यादा जाने न पाए, पाए सत्य मर्यादा जाने न पाए। हे ऋषियों, यह तथ्य वेदों में भी उद्धृत है, सत्यम नारायण साक्षात सीमाश्चापि विद्यते सीमिता चा मनुष्याणाम बुद्धिरागा गृणी लघु अंशो ज्ञातस्तस्या नूनमेक एवाधुनचा शेषम ज्ञेयम च यत्तत्तो विद्यते तदिकम तथा। हे ऋषियो, सत्य ही नारायण है, नारायण असीम है और मानवी बुद्धि सीमित है, विविध आग्रहों से और भी छोटी हो गई है, उसने अब तक सत्य का एक ही अंश जाना है, जो जानना शेष है वह कहीं अधिक है, इसलिए मनुष्य की सत्यता इसी में है। सत्य वही है आज के युग में जिससे किसी दूसरे की आत्मा ना दुखने पाए। वैसे तो सुबह से शाम तक व्यक्ति मिथ्या आचरण कर रहा है, हर बात में अपना बड़प्पन दिखा रहा है, हर बात में इतनी सेख ही बढ़ता है कि कहने वाली बात नहीं। अगर आप शब्दों से सत्य नहीं बोल पाए तो कम से कम इतना तो करना कि दूसरे की आत्मा ना दुखने पाए, तो समझना कि आपने एकम बसी सर्वभूतांतरात्मा अर्थात उस नारायण की, सत्य नारायण रूपी भगवान की सच्ची सेवा कर ली। इसी में सारे संसार का कल्याण निहित है। इस बात को सुनकर अरोचतेदम सर्वेभ्यो विवेचन महाद्भुतम भ्रांतेभ्यो भक्तारीति प्रतिचाग्रन्स्तुयो। आज का विवेचन के सत्य का सच्चा स्वरूप आज के युग में जबकि पग पग में हर क्षण व्यक्ति के जीवन में असत्य ही बिखरा हो, उस समय सत्य का भावार्थ क्या है? सत्य का भावार्थ यही है कि मनसा वाचा कर्मणा, हमारे किसी कर्म से, वाणी से, या हमारे किसी क्रियाकलाप से या भावनाओं से किसी को कष्ट ना पहुँचे, यही आज का सबसे बड़ा सत्य है। इस विवेचन को सुनकर सभी को संतोष हुआ और सत्य के रूप में जो भ्रांति और विकृति पनप रही थी, आग्रही लोगों को यथार्थता समझने का समय मिला। दूरदर्शी विवेकशीलता अपनाने के लिए वे अपना मानस बनाने को तैयार हुए और सारे ऋषि अपनी संध्या वंदन इत्यादि क्रम के लिए यहाँ से आज के दिन के लिए विसर्जित हुए। कल कुछ और अधिक इस सत्य का मर्म का दूसरा तथ्य सुनने के लिए मिलेगा, ऐसी जिज्ञासा लेकर आज
वे इस कथा क्षेत्र से विसर्जित हुए। इति श्रीमत्प्रज्ञापुराणे ब्रह्म विद्यात्मो विद्य योग दर्शन युग साधना प्रकटीकरणयो श्रीआश्वालायन विद्रुथ ऋषि संवादे सत्य विवेको इति प्रकरणो नाम तृतीयो अध्यायः। बोले श्रीमत् प्रज्ञापुराण की जय।